जहाँ भागवत कथा होती है वो स्थान तीर्थ स्वरूप हो जाता है। महर्षि वेद व्यास ने 4 श्लोकों का विस्तार 18,000 श्लोकों में किया, इसीलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन से महर्षि वेद व्यास हुआ। उनकी प्रिय संख्या 8 और 18 है। भागवत के अष्टम स्कंध के 8वां अध्याय 8वां श्लोक 8वें नंबर पर लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव अद्भुत रचना का प्रमाण है। 18 पुराण भागवत में 18,000 श्लोक, भगवत गीता में 18 अध्याय, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, महाभारत में 18 पर्व, सेनाओं की संख्या 18 अक्षोहिणी। भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि जब श्री शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में उपस्थित हुए, ठीक उसी समय देवता अमृत कुंभ लेकर वहां आए और निवेदन किया, महाराज ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में अमृत रूपी भागवत कथा हमें दे दीजिए। परीक्षिते कथा वक्तो सभाया संस्थिते शुके सुधा कुंभन गृहीत वैव देवा तत् समागमन। ये सुनकर शुकदेव जी महाराज ने ये कहते हुए देवताओं को डांटकर भगा दिया कि स्वर्ग का अमृत भागवत कथा रूपी अमृत की बराबरी नहीं कर सकता। भागवत कथा मणितुल्य है जबकि आपके स्वर्ग का अमृत कांच के बराबर है। क्व कथा क्व सुधा लोकाय क्व कांच क्व मणिमहान। श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं, भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानाम्पि दुर्लभा। देवता भक्ति शून्य होते हैं, इसलिए शुकदेव जी ने देवताओं को अपात्र समझा। कथा श्रवण करने के पश्चात परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। परीक्षित को तौलने का निर्णय किया गया। सत्यलोक की सभी चीजें हल्की पड़ गई। तराजू पर जब भागवत पुराण रखा गया तब पलड़ा भारी हो गया। श्रीमद् भागवत पुराण सभी शास्त्रों का सार है। महर्षि वेदव्यास को जब वेदों के संकलन और महाभारत पुराणों की रचना के बाद भी शांति नहीं मिली तो उनके गुरु नारद मुनि ने उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण लिखने को प्रेरित किया। ये श्री वेदव्यास जी की आखिरी रचना है और इस कारण पूर्व के सारे रचनाओं का निचोड़ है। भक्ति सुधा। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम मान भ्रमण के लिए आए। वे सभी तीर्थस्थलों पर घूमे पर उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। कलियुग से सारी पृथ्वी पीड़ित थी। सभी असत्यभाषी दुराचारी व पाखंडी और भाग्यहीन हो गए थे। सत्कर्मों के लिए कोई जगह नहीं रही थी। यह सब देखते हुए नारद जी यमुना के तट पर पहुंचे। वहां एक स्त्री अपने 2 पुत्रों के साथ बैठी थी। कभी उनकी सेवा करती, कभी जोर से रोने लगती। तभी नारद जी को आता देख उस स्त्री ने उन्हें रोका और कहा कि महात्मन, क्षण भर रुक कर मेरी चिंता का समाधान करें। आप तो अंतर्यामी और श्रीहरि के अनन्य भक्त हैं। नारद जी ने पूछा कि हे देवी, तुम कौन व ये दोनों कौन हैं? तब उस स्त्री ने बताया कि मेरा नाम भक्ति और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने पूछा कि हे देवी, आप तरुण हैं और आपके पुत्र वृद्ध, ऐसा क्यों? तब भक्ति ने अपनी कथा नारद जी को सुनाई। मुझे पहले बहुत सम्मान प्राप्त था, किंतु कलियुग के आगमन के साथ पाखंडियों के कारण मेरा व मेरे पुत्रों का बल व तेज क्षीण हो गया। हम जगह जगह घूमे, निर्बल और निर्बल होते चले गए। जब हम यहाँ वृंदावन पहुंचे तो मैं तरुण हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध व निस्तेज हो गए। अब यह उठते भी नहीं। मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ, कृपया मुझे शांति प्रदान करें। तब नारद जी बोले कि मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से देखकर तुम्हारे दुख के कारण का पता लगता हूँ। नारद जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से ज्ञात कर बताया कि कलियुग के प्रभाव के कारण ऐसा है। वृंदावन में श्रीहरि का वास होने के कारण लोगों में प्रेम भाव व भक्ति शेष है, इसलिए यहाँ आकर तुम तरुण हो गई और तुम्हारे ये पुत्र, इन्हें यहाँ आत्म सुख की प्राप्ति हुई है, इसलिए ये तुम्हें सोए हुए लग रहे हैं। सत्ययुग त्रेता युग में मोक्ष का मार्ग सिर्फ ज्ञान व वैराग्य था, किंतु कलियुग में भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। हे देवी, आप श्रीहरि को बहुत प्रिय हो। पृथ्वी पर नारद तीर्थ स्थानों में घूमते रहे, कहीं शांति नहीं मिली। भक्ति से नारद की मुलाकात। भो साधु क्षणतिष्ठ मत चिंतांपि नाशय। दर्शन तब लोकस्य सर्वथा घर परम। वद देवी सविस्तार स्वस्य दुखस्य कारणम्। कत परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचि काले। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। तत्फलम लब्ते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। गोस्वामी जी ने भी रामचरित मानस में चौपाई गाए। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरही पारा। साधुना दर्शन लोकय सर्वसिद्धिकर परम। पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयम् कृष्ण मंदिरम्।